हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि बाइकों का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। कितना ज़्यादा प्राइस हो गया है कि बाइकों को अभी फ़िलहाल कैश में ख़रीदना पॉसिबल नहीं है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले R15 वर्जन 4 रेड कलर के डाउन पेमेंट फाइनेंस के बारे में। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर दोस्तों आप लोग इस बाइक के कंप्लीट डाउन पेमेंट फाइनेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बाइक फाइनेंस कराने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। दोस्तों, बाइक फाइनेंस कराने के लिए आपको सबसे पहले आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आधार कार्ड के बाद दोस्तों आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। पैन कार्ड के बाद दोस्तों आपको बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगती है जिसमें आपकी सैलरी आती है। ध्यान रखिए, सैलरी कम से कम 6 महीने की दिखनी चाहिए। उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ एंड कुछ साइन के बाद आपकी जो बाइक है आपको फाइनेंस करके दे दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बाइक के प्राइस के बारे में। दोस्तों, R15 V4 कलर ऑप्शन के हिसाब से इसमें थोड़ा थोड़ा आपको जो प्राइस डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो रेड कलर ऑप्शन है वो एक्सरूम प्राइस अराउंड 1,81,700 रुपीज़, 1,81,700 रुपये के आसपास की जो है एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर लें इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। ये बाइक हमारे यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में 2,15,000 के आसपास की जो है ऑन रोड प्राइस देखने को मिलती है। आप लोगों के सिटी एंड स्टेट में क्या प्राइस, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने डाउन पेमेंट अमाउंट लिया हुआ है 75,000। 75,000 रुपये हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट है। अब हमारा बचा हुआ अमाउंट कितना है, 1,40,000 रुपये। 1,40,000 रुपये में 10,000 रुपये प्रोसेसिंग फीस प्लस करेंगे जब भी आप बाइक फाइनेंस कराते हैं तो हमें PF की ज़रूरत पड़ती है। अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,50,000 रुपये। ठीक है, अब दोस्तों हम निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज निकालेंगे। देखिए, जब भी आप बाइक फाइनेंस करा रहे हैं भाई, कोई कंपनी अगर आपको फाइनेंस करके दे रही है तो उनका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा तो है ना, वो बिना प्रॉफिट के तो काम करेंगे नहीं। उस बेनिफिट का नाम है ब्याज, है कि हम उसे एक्स्ट्रा जो पे करते हैं। अब दोस्तों, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है वो डिपेंड करता है आपकी सिविल स्कोर पर, आपकी सैलरी स्लिप पर। आज के इस वीडियो में हमने जो लिया हुआ वो लिया हुआ है 10%, तो 10% के हिसाब से 1,50,000 का एक साल का कितना आ जाएगा, 15,000 रुपये। ध्यान रखिए, एक साल का इंटरेस्ट है 15,000 रुपये। मान लीजिए आप बाइक को एक साल के लिए फाइनेंस कराना चाह रहे हैं तो एक साल के लिए आपको 1,50,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आप 15,000 प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,65,000 रुपये। अब 1,65,000 को आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, आपकी मंथली EMI लगभग 13,750 रुपये के आसपास की। मान लीजिए दोस्तों, बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं, 2 साल के लिए फाइनेंस कराने के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 15,000 रुपये एक साल का इंटरेस्ट है, 15,000 × 2 कर दीजिए तो 30,000, 30,000 रुपये जो है आपके मतलब 2 साल का इंटरेस्ट आएगा। अब 1,50,000 में 30,000 रुपये को प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,80,000 रुपये। 1,80,000 को आप 24 यानी कि 24 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 2 साल में 24 महीने होते हैं, आपकी मंथली EMI की लगभग 7,500 रुपये के आसपास की। मान लीजिए बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं तो 3 साल के लिए आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 15,000 × 3 कर दीजिए तो 45,000, 45,000 रुपये आपके 3 साल का इंटरेस्ट आएगा। 1,50,000 में 45,000 रुपये को प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,95,000 रुपये। 1,95,000 को आप 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं, आपकी मंथली EMI की लगभग 5,416 रुपये के आसपास की जो कि आपको पे करनी पड़ेगी 3 सालों तक। श्वेता दोस्तों, यामा R15 V4 का कंप्लीट डाउन पेमेंट फाइनेंस वीडियो, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।